यूपी में निकाय चुनाव इसी साल होंगे और अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। चूंकि निकाय चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, इसलिए अब राजनीतिक पार्टियों की नजर सीधे लोकसभा चुनाव 2024 पर है। बीजेपी से लेकर बीएसपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा एक्टिव बीएसपी सुप्रीमो मायावती दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर मायावती ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक में मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने सिपहसालारों से रिपोर्ट लेने का फैसला किया है। सिपहसालारों से खुद बीएसपी प्रमुख रिपोर्ट लेंगी। बताया जा रहा है कि चुनावी तैयारियों को तेज करने के लिए मायावती ने सिपहसालारों से रिपोर्ट लेने का फैसला किया है। मायावती के सिपहसालारों को अब हर हफ्ते रिपोर्ट बनानी होगी, जिसमें बताना होगा कि किसने कितना काम किया है और फिर ये रिपोर्ट बीएसपी प्रमुख खुद देखेंगी। मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों को सभी कोऑर्डिनेटर की समीक्षा के आदेश भी दिए हैं, जिसके जरिए उनको मिले कामों की गति और स्थानीय रिपोर्ट की जानकारी ली जा सके। सिपहसालारों को अपनी रिपोर्ट बनाते समय कई बातों का जिक्र करना होगा। उन्हें रिपोर्ट में एक हफ्ते में कितने सदस्य बनाए, कितनी बैठक की और कितने युवाओं को जोड़ा, इसकी पूरी रिपोर्ट देनी होगी, जिसके बाद पार्टी पदाधिकारी मायावती को इसकी सूचना देंगे। वहीं दूसरी ओर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही विश्वनाथ पाल अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। इस दौरान वो हर जिले में जाकर स्थानीय नेताओं से जानकारी ले रहे हैं। दरअसल मायावती के लिए इस बार का निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएसपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खतरे में है। चुनाव दर चुनाव वोट प्रतिशत गिरने से अब मायावती के लिए जरूरी है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे। इसीलिए बीएसपी प्रमुख खुद पार्टी की कमान अपने हाथों में ले रखी है।